माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने पार्वती हॉस्पिटल में आतुतने मॉडल आईसीयू व एनआईसीयू का किया उद्घाटन। आज 11 नवंबर 2019 को पार्वती हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीक से निर्मित मॉडल आईसीयू व एनआईसीयू आईएसओ 7/10,000 का उद्घाटन किया, जो प्रदेश का पहला हॉस्पिटल होगा। इस मौके पर विनय यादव जीएम ने बताया कि हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि पार्वती हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड मल्टी स्पेशलिस्टी से उत्तर प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र में विकास से मरीजों को सुविधा मिलती रहेगी। हुई हमें कि महामहिम राज्यपाल जी के चरण हमारे इस मॉडुलर आईसीयू में पड़े, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूं। सेकंड चीज़ ये है कि हमारे इस प्रयागराज से दुनिया भर में ये नाम फैला हुआ है। यहां से बहुत सारे पेशेंट जैसे दिल्ली मुंबई जाते हैं जिनका कि ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, जो कि पेशेंट कुछ पेशेंट रास्ते में सफ़र कर जाते हैं, पेशेंट की डेथ हो जाती है, वो वहाँ तक ट्रीटमेंट के लिए पहुँच भी नहीं पाते हैं। और वो वहाँ तक पहुँचते भी हैं कितने सारे पेशेंट, तो वो अनअफोर्डेबल होते हैं कि उनको पैसे की कमी होती है, कभी वहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। जिन सुविधाओं को देखते हुए हमारे एमडी अजय यादव सर ने ये प्लान किया कि हम वो सुविधा अपने ही शहर में क्यों न ला करके लोगों को उसमें लाभ मिले और लोगों का टाइम पर सब इलाज हो सके, इसलिए ये मॉडुलर आईसीयू का निर्माण किया गया है। इस मॉडुलर आईसीयू को बनाने के लिए कई सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जैसे फार्मा कंपनी से माननीय रमेश जी ने इसका कॉन्सेप्ट लाया है, बाकी मेडिकल सोर्स से एयरवन सोर्स कंपनी उनकी है, उन्होंने बहुत सारा कुछ उसमें किया है। और प्लस हम लोग का ये कॉन्सेप्ट कि कोई भी पेशेंट 0% इन्फेक्शन में हो करके ही कभी मेडिसिन की कॉस्ट ना बढ़े, हर पेशेंट उतना अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, सेम प्राइस में हर चीज़ इलाज करने की सुविधा यहाँ पे की गई है। जैसा कि कल बता रहे थे आप जी, इनमें करेगा 100% करेगा सर। कैसे करेगा, क्या है? इन्फेक्शन से जो भी पेशेंट सफ़र करता है ड्यू टू इन्फेक्शन, आज यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर यहाँ से आ रहा है 0.3 माइक्रोन पे, ये जितने भी फिल्टर्स हैं हेपा फिल्टर लगाया गया है 0.3 पे आते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर नेगेटिव प्रेशर आपको 48 आवर्स में कोई भी पेशेंट के कोई इन्फेक्शन रहेगा ही नहीं, थर्ड डे ही पेशेंट इम्प्रूव करना चालू हो जाएगा। विनय यादव, पार्वती हॉस्पिटल से।